हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने चैनल रेनू ब्यूटी पार्लर में। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मैंने बताया था कि जो आजकल एडवांस हेयर स्टाइल जो चल रहे हैं उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको बालों को किस तरीके से सेट करना है और किस तरीके से इसको टेक्सचराइज करना है, और उसमें मैंने पफ भी बताया था। उसमें मैंने फ्रंट से ईयर टू ईयर मैंने क्रिम्पिंग करी थी और ये पफ बना के दिखाया था। तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप इसमें लाइनें क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से फिंगर की मदद से बालों को ऊपर इस तरीके से खींचेंगे और धीरे धीरे करके आप इसी तरीके से लाइनें बनाएंगे और अपने फिंगर टिप्स की मदद से बालों को इस तरीके से ऊपर ऊपर से उठाएंगे और हल्का सा स्प्रे करेंगे। हमारा ये जो स्प्रे है वो टाफ्ट का है, 6 नंबर है इसका। आप इसके अंदर 5 नंबर भी आता है, 6 भी आता है, नोवा का भी ले सकते हैं आप। और इस तरीके से आप धीरे धीरे करके लाइनें बनाएंगे और काफ़ी आराम से इसमें लाइनें बन जाती हैं क्योंकि इसमें क्रिम्पिंग वगैरह हुई होती है, और क्रिम्पिंग होने की वजह से इसमें लाइनें आराम से बन जाती हैं। और हल्का हल्का सा स्प्रे करते जाएंगे और एक एक लाइन इस तरीके से निकालेंगे। ये देखिए आप कितनी आराम से इसमें लाइनें बन रही हैं और बारीक बारीक सी लाइनें निकाल कर हल्का सा स्प्रे करते रहेंगे और फिर इसे फिनिशिंग लुक देंगे। और इस तरीके से आप एक एक दो दो लाइनें निकाल कर इसके ऊपर आप यू पिन भी सेट कर देंगे, यू पिन से होल्ड कर देंगे। अब ये देखिए ये हमने लाइनें निकाल ली हैं और स्प्रे आप थोड़ी दूर से डालेंगे और इस तरीके से हम यू पिन की मदद से इसको होल्ड कर देंगे। स्प्रे डालकर और इस तरीके से हम यू पिन की मदद से इसको होल्ड कर देंगे क्योंकि ये जो स्प्रे है ये इसके होल्ड करने के लिए है, इससे ये सेट हो जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से अब हमने पूरे पफ में इस तरीके से लाइनें बना ली हैं। और अब हमने ये पफ के बाल लिए हैं और उसके बाद जो हमने पोनी बनाई थी उसकी रबड़ निकाल कर पफ के बालों के अंदर मिक्स कर लिया है। और पफ के बालों को और जो पोनी के बाल थे मिक्स करते हुए हम एक थोड़ी हाइट पे पोनी बनाएंगे, ये देखिए, और उसकी अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। और अब हमने जो देखिए पिने लगाई थी वो हम निकाल लेंगे। और ये हमने डोनट लिया है, डोनट को हम इस तरीके से पोनी के अंदर टक कर देंगे अच्छी तरीके से, और 4-5 पिनों से हमें डोनट को सेट करना है। फिर हम थोड़े थोड़े से बाल लेकर, ये देखिए थोड़े से बाल लिए हैं, और इसको फैलाते हुए और इस तरीके से यू पिन की मदद से इसको सेट कर देंगे। और ये जो थोड़े थोड़े से बाल बचे हैं इसको फोल्ड करते हुए एक फ्लावर का रूप देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इसके ऊपर अब हम यू पिन सेट कर देंगे और हल्का सा स्प्रे करेंगे। स्प्रे हमें थोड़ी दूर से करना है। फिर हम थोड़े से बाल लेंगे और फिर इसको हम इसी तरीके से फैला देंगे और यू पिन की मदद से सेट कर देंगे। और जो ये पतले पतले बाल बचे हैं इसको फोल्ड करते हुए और इसमें हम यू पिन लगा देंगे। और स्प्रे डाल देंगे और इसी तरीके से हम थोड़े थोड़े से बाल लेकर के पूरे डोनट को कवर करेंगे, एक जूड़े का रूप देंगे।
और ये देखिए इस तरीके से हमने पूरे जुड़े को कवर कर दिया है। अब थोड़े से बाल बचे हैं, फिर हम इस तरीके से बालों को फैलाते हुए फिर पिन की मदद से हम सेट कर देंगे। और बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरीके का जूड़ा बना सकते हैं और पार्टी में, फंक्शन में आप ये जूड़ा बनवा सकते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है ये। ये देखिए इस तरीके से, और मैं काफ़ी आसान तरीके से आपको जूड़ा बनाना बता रही हूँ। जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी हेयर स्टाइल वगैरह नहीं आता है, तो मैं इसलिए बोलकर बताती हूँ कि समझ में आ जाए। और इस तरीके से हम पूरे जूड़े को यू पिन की मदद से सेट कर देंगे और स्प्रे डालेंगे। और अब हमने जूड़ा बना लिया है, अब हम इसके ऊपर स्प्रे से इसको सेट कर देंगे। जो छोटे छोटे बाल हैं वो भी सेट हो जाएंगे, और जो हमने यू पिन यानी कि जूड़ा पिन लगाई हुई थी उसको हम निकाल लेंगे। और दो चार पिनें हमें बीच बीच में भी सेट करनी हैं, जिससे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो खुले नहीं, और बीच में इनविजुअल पिनों से हमें जूड़े को सेट करना है। तो आप देख रहे हैं किस आसान तरीके से मैंने हेयर स्टाइल बताया है। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल आपको मैं बताऊंगी और काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको हेयर स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। और फिर इसके बाद जूड़ा बनाने के बाद काफ़ी अच्छी अच्छी मार्केट में हेयर एक्सेसरीज आती हैं, तो आप इस तरीके से उसको डेकोरेट कर सकते हैं और एक पार्टी वेयर हेयर स्टाइल ये वाला हमारा बन जाएगा। इसको आप ब्राइडल वगैरह के ही बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से इसमें लाइनें वगैरह बताई हैं। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो, हेयर स्टाइल की वीडियो पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करके आप बताएं कि आपको इस तरीके के हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं, जिससे कि मैं और आसान तरीके से आपको बता सकूं। और भी काफ़ी अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल हैं, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक